हालेलुया। कितने जन आनंदित है प्रभु की हजूरी में आके, आमीन। ये साल की लास्ट नाइट है जिसको हम आराधना में बिताएंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और शुरुआत भी कल हम आराधना से करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थी नाम में, आमीन। हे मेरे प्रभु, मैं आपका सेवक, आए मेरी छत के नीचे आए, पांव धोएं और आराम करें। स्वामी, सलाम। सलाम पिताजी, के लिए भोजन का प्रबंध करो। परमेश्वर का जलाल, तुम सर पर ठहरे और तुम परमेश्वर की कृपा के पात्र बनो। क्योंकि यहोवा परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है। बच्चों डरो मत, क्योंकि यहोवा की कृपा तुम सब पर है। नहीं नहीं, वो लूट के डर नहीं हो गए, लेकिन कहीं पे खड़े हो अगर ही हो गए। वो तो दोषी तुम्हारे घर में तो नहीं है। नहीं नहीं, वो तुम्हारे घर में तो नहीं है। नहीं नहीं, मैंने तो तुझे कहा था। आज लूट की खैर नहीं, आज लूट को हम मार देंगे। इसको मारो, मारो इसको, मारो इसको, मारो। अच्छा, वो परदेसी तुम हो, भाइयों इनको भी मारो, मारो इनको, मारो। आंखों को क्या हुआ, हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हम अपना जीवन कैसे गुजारेंगे बिन आंखों के? हमें क्या हुआ? हमारी आंखों को क्या हुआ? बहन, आप इतनी रात क्या कर रहे हो? और बच्चे भी साथ हैं, क्या बात है बताओ मुझे? आप अंदर आओ, हम बैठकर बात करते हैं। नहीं, इतना समय नहीं है कि हम आपके साथ बैठ के बात करें। लूट, मेरी बहन दरवाजा खोलो। ये लोग तो दरवाजा भी नहीं खोल रहे, लगता कहीं नींद में सो रहे हैं।
इसलिए और जोर से करता हूँ ताकि ये लोग हमारी बात को सुन सके। क्या हुआ, कितना शोर क्यों मचाया है, वो भी विदाउट। इतने घबराए हुए क्यों हो मेरी बहन? हे प्रभु, उनमें से एक भी हमारे साथ नहीं आया, हमने बहुत कोशिश करने वाला है। हे प्रभु, मुझे उस नगर को नाश नहीं करूंगा। उस नगर में जा सकता है, एक और संदेश है कि आप में से कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, नहीं तो वो नमक का खंभा बन जाएगा। ठीक है मेरे प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा, मैं वैसे ही करूंगा। हे यहोवा परमेश्वर, अब ये नगर तेरे हाथों में है, अब तू जो भी इस नगर के साथ करना चाहता है तू कर सकता है। बता रहा था कि इसे एक मछली ने निगल लिया था। भाई साहब, तुम इधर लेट जाओ,
बेटा भाई साहब ये लो पानी और अपना मुंह धो लो। नहीं मेरे बेटा, मैं मछली के पेट में अपने खुदा को पुकार रहा था तो मुझे डर नहीं लगा, उसने मुझे बचा लिया। चलो भाई साहब हम खाना खाते हैं। ठीक है भाई साहब। ये तो जोना है। जोना पिताजी। जोना मेरे बेटे। पिताजी जो तो मुझे प्रभु की आवाज लग रही है। नहीं नहीं ये मेरा वहम होगा, प्रभु हम मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मैंने उसके हुक्म को तोड़ा है, वो मुझसे अब कभी बात नहीं करेंगे। ये मुझे क्या हो रहा है? उठ बड़े शहर नैनवा किया जा। आज फिर से खुदा ने मेरे साथ वो कोई आ रहा है। हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मेरे दोस्त तू बता तू कैसा है? हाँ भाई मैं ठीक हूँ। भाई मैं बहुत लंबा सफर तय करते आया हूँ, हम बैठ के बात करते हैं। ठीक है भाई। मैं वैसे ही करूँगा, बस तू मुझे जय बता दे क्या कितना समय लगेगा मुझे वहां तक पहुंचने के लिए? पैदल चलने में भाई कम से कम 3 दिन लगेंगे। ठीक है मेरे दोस्त मैं चलता हूँ, अब तो मैं बहुत नजदीक आ गया हूँ। जी
ठीक है मेरे भाई। ये तो बहुत ही बुरे काम कर रहे हैं, ये मैं क्या देख रहा हूं। एक पिता अपने बेटे की सेवा कर रहा है, मैं सच कह रहा हूं 40 दिन के बाद खुदा इस शहर को नाश कर देगा। हमें महाराज को बताना पड़ेगा। चलो चलो महाराज के पास चलते हैं। हाँ हाँ होगा, हमारे तो अपने देवते हैं। ये लो मेरी तलवार, शाही लिबास और मेरे लिए ताज का इंतजाम किया। मेरे लोगों को माफ कर,
मैं तेरे आगे दुहाई देता हूँ। पाती यहाँ